मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से। किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, दो नंबर होता है, एक होता है ओड और एक होता है इवन। ओड नंबर जानते हैं आप, 1, 3, 5, 7 जिसके लास्ट में हो, और इवन 0, 2, 4, 6, 8। ओके, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू मल्टीप्लाई 48 × 5। कुछ नहीं करना हमने, हमने सिर्फ इस डिजिट को, इस नंबर को हाफ करना है। 48 का हाफ कितना होता है? 24। और एक जीरो लगा देना है। दैट सिंपल। जैसे मेरे को मालूम है कि मेरे को 96 का और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 96 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 96 का हाफ कितना होता है? 48। और मैंने जीरो लगा दिया। ये तो हुआ, हमने किसका देखा है? इवन नंबर का। ओड नंबर का देखते हैं, 47 का करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ही वन कम कर लीजिए। 46, 46 का हाफ कितना हुआ? 23। और वन का हाफ कितना होता है? 5। गॉट इट? तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने इनको हाफ किया। 97 का करना है, कोई बात नहीं है। 97 का करना है, आप 96 मानिए, वन को पहले ही साइड में रख दीजिए। 96 का हाफ कितना होता है? 48। और वन का हाफ 0.5, तो यहाँ पे हमने 5।